What's up guys, welcome back to another YouTube vlog. होप करता हूँ स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. गुड आफ्टरनून टू ऑल. अभी चल रहा है खाना, ओट्स खा रहा हूँ मैं, और इसके बाद मेरे को बाहर जाना है कुछ काम से. और आज ना मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा अजीब सा है, बट आप बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं. बहुत मनुष्य लग रहा. सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ और मैं फंस भी चुका हूँ. अरे यार, सो जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, वो तो गले गले में से गाड़ी निकालनी पड़ती है. हाँ, चढ़ाते ऊपर चढ़ाते गाड़ी, ऊपर चढ़ा दे. ये बड़ी अच्छी बात कही यार. यानी क्या पागलों की तरह गाड़ी चला रहे लोग. अरे यार, मैं कौन से सही चला रहा हूँ, भाग मादर. सो आज का प्लान मुझे भी नहीं पता. मैं एक्चुअली किसी काम से जा रहा हूँ नोएडा, और वहाँ से फिर मैं तांडे के पास जाऊँगा. यार आई नो इसमें, इस व्लॉग में भी कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे कि प्रैंक करो प्रैंक करो. यार प्रैंक देखो, प्रैंक सिचुएशन और टाइम देख के किया जाता है. ये नहीं हर हफ्ते प्रैंक हो रहे हैं. आई नो बहुत सारे लोग करते रहते हैं ये. अब वो उनको मैं क्या बोलूँ, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता. बट यार आप खुद सोचो ना, किसी को आप यार अंकल जी कहाँ जा रहे हो. अंकल जी ने इंडिकेटर भी नहीं दिया हुआ. ये देखो, ये अंकल जी थे, ना इंडिकेटर दिया हुआ ना, बस निकले जा रहे हैं. देखो अभी भी निकल रहे हैं, हद हो गए यार. सो मैं कह रहा था कि यार जो होते ना एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपकी गलती से भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है जब आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है, दूसरों की गलती से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरे वाले शायद दूसरे लोग ढंग से गाड़ियाँ नहीं चलाते. ये होता है, एक्चुअल में ये होता है. तो बस यही मुझे बताना था आपको. और गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है. मतलब क्या बताऊँ मैं, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. बता तो दिया आपको कितनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है. मतलब समझ जाओ ना कितनी गर्मी हो रही है. अब मैं टेम्परेचर निकाल के क्या दिखाऊँ, गूगल पे सर्च कर लो दिल्ली में आज कितना टेम्परेचर है. आज सैटरडे है. चुप कर बे कुत्ते. बट जो मिस हैपनिंग होती है, जो टक्कर टुक्कर लग जाती है ना, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा लगती है, मुझे ये लगता है. ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहर में, और जितनी वो होती है. अरे जाना भाई, बीच में ही तो रखा हुआ है. सो जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, उसके थोड़ा सा आगे, मतलब हाफ किलोमीटर पे ना, ये देखो ये एक फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब हाईवे टाइप्स. और जिस दिन ये बन जाएगा ना, ये दुनिया की सबसे अमीर जगह हो जाएगी. अभी तो वैसे सबसे ज़्यादा गरीब जगह है, बट हो जाएगी अमीर सबसे ज़्यादा जिस दिन ये बन गया. ठीक है, इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के मैं ब्लॉग बनाऊँगा, बीच में गाड़ियों के बीच में, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. So guys, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि जो एक्सीडेंट होते हैं, दूसरों की गलती से होते हैं, आपकी गलती से थोड़ा कम होते हैं, अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है. तो मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ. I'm not interested, यार. चलते हैं फिर. अब आप ये सोच रहे हो इतना ज्ञान बांट रहा है कि ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, सेफ ड्राइविंग करो, ये वो फलान ढिमकाना, और ये खुद तो फ़ोन चला रहा है गाड़ी में. मैंने ये फ़ोन ना ट्राईपॉड पे लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको हाथ में नहीं पकड़ा हुआ. वो ट्राईपॉड से गिर गया है नीचे. भाग मादर. गाइस यू वोंट बिलीव व्हाट आई हैव सीन यार. ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को साइड में लगाना था बस गाड़ी यार. अरे भाई क्या देख लिया मैंने. एक सेकंड, लेट मी शो यू. एक सेकंड. अरे जूम नहीं हो रहा. इट्स मी. कितनी खुशी मुझे. सो गाइस, मेरा काम हो गया. और लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर पर्सन. देयर इज शी. मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू वैसे तो. हाँ, मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मेरी बहन अन्नु. और ये वहाँ पर किसी काम से, मतलब ये वहाँ पे कॉलेज में है, तो ये घर आ रही थी, तो उसने कहा मुझे पिक कर लो. तो मैंने कहा ठीक है फिर. मैंने नहीं कहा, आज भैया का दिल बड़ा हुआ. और भैया ने ये क्या ब्लॉग के अंदर ये नहीं बोलना होता ना यार, हद हो गई है. सारे मिल के हमको पागल बना रहे. सो ये जब आई तो ही मेरे को एक आइडिया आया कि तान्या को प्रैंक किया जा सकता है.
ये मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कह रहा था कि ये आई है तो मेरे को एक आइडिया आया कि ताने को हम प्रैंक कर सकते हैं। पीछे जो डिक्की है ना उसमें इसको छुपा दूंगा और ये ना अजीब अजीब मतलब आवाजें निकालेगी, ऐसा लगेगा इससे ना गाड़ी में चूहा है। और बाद में भौं करके एक दूसरा ट्राई करेगा, लेट्स सी, देखते हैं ताने का रिएक्शन क्या आता है। हाँ, पर उसकी एक शर्त है, अगर भैया ने मेरे को गाड़ी चलाने दी अगली बार सुबह 4 बजे उठा के ना तेरे को घुमाऊंगा यहाँ पे, तब चला लियो। ठीक है, ठीक है। सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अभी गाड़ी चला रही है, ज्यादा दूर तक नहीं बट चलाएगी जरूर। है सीधा है ना आगे, ये इधर नहीं, ये दूसरा है। ये देखो फोन ही फंसा लिया था उन्होंने। तूने सीधा चौथा डाल दिया जो यार मुझे गियर के तो होगी दिक्कत क्योंकि गाड़ी का ब्रेक मार पहले सीधा पीछे जाएगा। ये चौथा है बेटा, तू चल चल, लॉक हो गई ऑटो, कर क्लच दबा। गियर मेरे को डालने पड़ रहे हैं। अरे यार तो मैं डाल लेती हूँ पर धीरे ही चला, धीरे ही पिकअप पकड़ेगी एकदम से। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नहीं, तो नहीं। जो मैंने कहा था ना प्रैंक करने वाले ये अब एग्री कर चुकी है क्योंकि मैंने इसको गाड़ी चलाने दी। अभी जाएगी वो पीछे डिक्की में और फिर आवाजें करेगी अजीब अजीब, एक दो आवाजें निकाली हो, बता ऐसा चूहा हुआ हो तब मैं कहूंगा उसको चूहा है क्या, तब उसको पंगे लूंगा। और ये भी तो बता दो चलती रोड के बीच में ऐसे मेरे को डिक्की में घुसा रहे हो। अब कोई नहीं, ब्लॉग के लिए करना पड़ेगा। कहाँ की चलती रोड, चलो वो नहीं बता सकते। नीचे आ रही है, नीचे 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 हो ना, नीचे और नीचे और नीचे दिखेगा। गाइस ये देखो तो ऐसी आवाजें निकाल आवाजें निकालनी पीछे से और ऐसी? हाँ ऐसे ऐसे करियो मुंगे, ये क्या है। ठीक है ओके चलो चलते हैं अब ताने को पिक करने। ये चिल्लाता क्यों रे, सो गाइस फाइनली ये देखो तान्या इज हियर और इसने मुझे इतना घुमाया यहाँ पर, कहीं पे कहाँ थी कहाँ पे मुझे बुलाया, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। मतलब मैं ऑलमोस्ट इनर सर्कल पे हूँ, जो जो दिल्ली में रहता है उनको पता होगा सीपी का इनर सर्कल, और ये जनपद के उस तरफ है अपोजिट साइड पे। एक बात बताओ मुझे, वॉक करके आना इजी होता है या जो गाड़ी में बंदा है उसको आना इजी होता है, बताओ। वॉक करके आना इजी होता है, गाड़ी तो होता है वॉक करके आना इजी जब डिस्टेंस कम हो, लेकिन तो तूने डिस्टेंस ही 1 किलोमीटर तो तूने यही तो पूछा कि एक बात बताओ तो मैंने आंसर दे दिया, वो तब वॉक के क्या आना इजी तो होता है। और तुम्हें तो पता ना कितना डिस्टेंस है, कितना तो कितना दूर था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा बात नहीं है, क्या बोलती है ये फ्रंट कैमरा से बनाना चाहिए या फिर बैक कैमरा से? नहीं फ्रंट से बना लो, ये भी आपसे बड़ी मुश्किल से बन रहा है तो फ्रंट से बना लो। ऑन है ठीक है। सो गाइस फाइनली मैम आ गई हैं और यू नो कि जैसे मैंने आपको बताया था क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मुझे भी बता दो। अरे मतलब हम वही जाने वाले हैं दूसरी जगह देखने के लिए जो बताया मैंने अभी आपको। अच्छा So, तो तुम्हें कैसा लगता है ऐसे देख के? कुछ हुआ यार ये मन के बन गया। So guys, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी गाड़ी में से ना कुछ आवाजें आ रही हैं और वो सोच रही है ये क्या है, कौन है? भाई रुक जाओ, हमारे उसमें से आवाजें आ रही है कुछ और उसको लग रहा है चूहा है। अन्नू तो नहीं है? अन्नू कहाँ जाएगी, पागल है क्या?
डिक्की में थोड़ी बिठाओगे उसे, यारी को पागल हो क्या तुम, क्या है वरुण बता दो थप्पड़ मार दूंगी मैं। क्या कौन है? कोई भी तो नहीं है, कौन होगा? तुम पागल हो क्या, तुमने किसको बिठाया है? कोई नहीं यार, हद हो गई है, जा देख ले जाके। फिर मैं नहीं जा रही, मेरे को डर लगता है। अबे तो है ही नहीं कोई भी। अरे तुम्हारी हंसी, कोई तो है। अरे यार कोई नहीं है भाई, कोई है तो भाई बताओ, कोई भी नहीं है देख ले। मैं उतर खोलो निक्की, खुली पड़ी है, ध्यान से पीछे से देख। ऐसे रोकना लाउड है? मैं रोक रही हूँ, ध्यान से, स्कूटी है। खोल दी, खोल दी। क्या हुआ है? ले कुछ है इसमें, देखो कुछ भी नहीं है। हाँ देखो हो नहीं पाया हुआ, शॉक नहीं हुई? शॉक नहीं हुई तू? हाँ यार, मतलब एक तो ना मैं हंस दिया थोड़ा सा ना उस चक्कर में भी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? वहीं से निकाल लूंगा। सक्सेसफुली फेल हो चुका है प्रैंक हमारा। हाँ भैया की हंसी की वजह से। यार मेरे को पहली बार ना हंसी आ गई, वैसे आती नहीं हंसी, इस बार हंसी आ गई। इतना जेन्युइन प्रैंक था, मतलब मेरा भी ये क्वेश्चन होता था कि स्क्रिप्टेड होता है या फिर ये प्रैंक प्रैंक होता है। मैं अप्रूव कर रही हूँ ये कि ये प्रैंक प्रैंक होते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होते। तभी तभी आप लोग कहते हो ना हर बार प्रैंक लाओ। अरे देखो यही हालत होती है अगर रेगुलर प्रैंक करेंगे तो। मुझे ऐसे नहीं पता चलता, पर पता नहीं कैसे इसको इस बार हंसी आ गई, मेरे को इसकी हंसी देख के समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। चलो हमें अभी कहीं और जाना है, कुछ आज इसको व्लॉग समझ के देख लेना गाइस, कोई बात नहीं, कुछ ठूसम ठासी करने तो चलते हैं। चलो सो गाइस, आज सुबह ना मैं कुछ कह रहा था ना आपको कि जब हम गाड़ी चलाते हैं हमसे ज़्यादा दूसरे बंदों को देख के हमें चलानी चाहिए, और वही हुआ मेरे साथ। अभी साइड में गाड़ी मारी पीछे से, और गलती उसी की थी, मैं हॉर्न मार रहा हूँ बट वो सुन ही रहा, देख ही रहा, और उसके आगे का बम्पर निकल गया पूरा। गलती उसी की थी इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, और जब मैंने उससे बात करी तो मुझे लगा उसने ड्रिंक की हुई थी। यार थोड़ी ये चीज़ें ध्यान में रख के करो, लाइफ एक ही है, बार बार नहीं मिलेगी, सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। जैसे हमने सोच समझ के पता नहीं क्यों इस जगह आ गए हम। और ये भी तो बताओ बिना सोचे समझे मैं कैसे बाहर भागी थी। मम्मा का कॉल आ गया, मम्मा का बाय बाय बाय, अब पीटे अब तीनों खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, बाय बाय please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah, bye-bye, please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah, bye-bye, say any negative thoughts, I pop off, and I hear people say I cannot, I get up, sick of thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost, I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out.